हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइश का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप लोग अपना फ़ोन में अपना जो आधार कार्ड होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो मेरा चैनल में नया हो वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आपको पहले जाना है आपका जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में जाना है। ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र में जा सकते हैं आप। जाने के बाद यहीं पर आपको सर्च करना है आधार कार्ड, फिर आपको गेट आधार में क्लिक करना है। फिर आपको आधार कार्ड में जो आधार कार्ड का जो साइट है, वेबसाइट, उसमें घुस जाएंगे आप। फिर यहीं पर देखिए आप लोगों का यहीं पर आधार डाउनलोड बोल के जो ऑप्शन है, डाउनलोड आधार, इसमें क्लिक कीजिए। मैं डेस्कटॉप सेट कर लिया हूँ मेरा ब्राउज़र को। फिर देखिए डाउनलोड आधार में क्लिक कीजिए। फिर देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ऊपर बोल रहा है आपका आधार कार्ड इंटर करने के लिए। तो मेरा आधार नंबर मैं इंटर करूँगा, 4190 0 फिर आपको कैप्चर कोड डालना है जो साइड में है, देखिए राइट साइड में कैप्चर कोड डी ए जैसा ऐसे ही डालना है। फिर आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। मैं तो भूल गया, मेरा फोन फ्लाई मोड पे था। देखिए OTP आ गया, मेरा OTP है 1368 04। फिर देखिए वेरीफाई इज डाउनलोड, इसमें क्लिक करना है। कांग्रेचुलेशंस। डाउनलोड सक्सेस हो गया। देखिए डाउनलोड के अंदर ई आधार बोल के ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। फिर कोई भी ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। ऐड आ रहा है मेरा। फिर देखिए पासवर्ड मांग रहे हैं। आप आधार कार्ड कैसे देख सकते हो, आपका जो नाम के जो पहले चार अक्षर है, ठीक है, आपको चार अक्षर कैपिटल में डालना है। जैसे मेरा नाम है राजीव, राजी तक डालना है। आर ए जे आई। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ साल होता है वो डालना है। मैंने डाल दिया, अब ओके करूँगा। देखिए मेरा जो आधार कार्ड है वो ओपन हो गया। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। थैंक यू ऑल।